हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये आप लोगों के सामने BTC का चार्ट ओपन है। यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप लोग कैसे इंडिकेटर्स को सेट करते हैं और इंडिकेटर्स की मदद से आप लोगों ने कैसे स्ट्रेटजी यूज़ करके एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। जो बेसिक जो आप लोगों के पास इंडिकेटर्स हैं और उन इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करना है, उनकी सेटिंग कैसे करनी है, सबसे जो ज़रूरी है वो RSI है, फिर MACD आते हैं और फिर उसके बाद मूविंग एवरेजेस वगैरह आते हैं। सबसे पहले हम RSI को सीखेंगे, RSI कैसे हमने यूज़ करनी है और RSI की मदद से हमने कहाँ पे ट्रेड लेनी है और कहाँ पे ट्रेड से निकलना है। बहुत से दोस्त ट्रेड लेने में गलती कर देते हैं, वो सिर्फ RSI को देख रहे होते हैं कि RSI अभी ओवर बॉट हो चुकी है या ओवर सेल हो चुकी है, तो उसमें वो पोजीशन लेते हुए थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं। जैसे ही वो ट्रेड ओवर बॉट हो जाती है तो कुछ लोग दोस्त उसको ट्रेड ले लेते हैं और वो उनके ओपोजिट जो हमारा ट्रेडिंग व्यू है वो एक्ट कर रहा होता है। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि आपको कौन से बेस्ट टाइम में आप लोगों ने एक ट्रेड लेनी है और किस टाइम आपने उस ट्रेड से बाहर निकलना है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, इजी है पर थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं आपको आसानी से बहुत सारी बातें टेक्निकल वो आपको सिखा सकूं। इस वीडियो में हम दो इंडिकेटर्स की बात करेंगे, RSI की और मूविंग एवरेजेस की। MACD थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, वो मैं आपको अलग उसकी एक थोड़ी बड़ी वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वो आप वहां से देख लीजिएगा। फ्रेंड BTC की अपडेट आपको देता चलूं कि BTC आज दिन में थोड़ा सा मार्केट क्रैश हुआ है। चाइना ने फिर से BTC को बैन कर दिया, जैसा कि चलता आ रहा है, बहुत दफा बैन कर चुका है, घबराना नहीं है। ये आपका जो है फेवरेट जोन था, यहाँ से फिर दोबारा इसने पुल बैक लिया है और यहाँ से काफ़ी पंप हुआ है। ये देखिए मैंने मार्क किया हुआ है, पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये आपका बाय जोन है और बहुत स्ट्रॉन्ग बाय जोन है ये इसका। अगर ये बाय जोन टूटता है तो फिर तो BTC गया नीचे 27,000-28,000 पर चला जाएगा। ये बाय जोन इसका नहीं टूटा, इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे 42,000-41,000-40,000, ये इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर BTC इसको ब्रेक करता है तो ये काफ़ी नीचे जा सकता है। सो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं कि हमने इंडिकेटर कैसे सेट करना है। सबसे पहले आता है आपके पास RSI इंडिकेटर, जो होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जिसे कहते हैं। ये आप फ्रेंड्स ये टॉप पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक साइन बना हुआ है इंडिकेटर्स का, मीन्स FX। ये एक्चुअली इंटीग्रेशन होती है, जो मैथमेटिकल के स्टूडेंट्स या टीचर्स हैं उनको काफ़ी बेहतर पता होगा इनके बारे में। इन पे आप क्लिक करते हैं, FX पे। जब आप FX पे क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने आता है। यहाँ पे आपने सर्च पे क्लिक करना है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये आप लोगों के पास आ जाता है, बिल्ट इन है ये, और इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये RSI आप लोगों के पास शो हो जाए, RSI शो होगी फ्रेंड्स। और इसकी अब हमने सेटिंग करनी है, हमने किस टाइम जो है ट्रेड लेनी है और किस टाइम हमने ट्रेड से बाहर निकलना है। सो मैं चार्ट को रीसेट करता हूँ। चार्ट को मैंने रीसेट कर दिया और यहाँ पे RSI 14 क्लोज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बॉटम पे। यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ है सेटिंग का, यहाँ पे आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे जब आप फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आप लोगों के पास आएगा। आपने इनपुट जो है वो रखनी है 14 ही, इसकी लेंथ जो है, और स्टाइल में जब आप जाएंगे इसमें आप लोग इसका कलर जो है वो अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जो आप लोगों को वाजे लगे, और इसकी लाइन थोड़ी आप डार्क कर लें ताकि आप लोगों को सही व्यू आए। सो इसका कलर सेट हो गया। इसके बाद हमने अपर बैंड और लोअर बैंड जो है ना वो सिलेक्ट करने हैं। अपर बैंड हमारे पास 70 है और लोअर बैंड जो है हमारे पास 30 है, इसको आपने 80 रख लेना है और इसको आपने 20।
ये आप इसे ओके पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स अगर आप चार्ट को जूम इन करके देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि आरएसआई काम कैसे करती है, आरएसआई में कब आपने ट्रेड में इंटर होना है। ये देखें गाइस, ये जो मैंने सेटिंग की है इसकी 20 और 80 की, इसमें ये शो करता है कि जब भी आप लोगों का जो ग्राफ है, कैंडल स्टिक्स हैं, वो 30, 32 या 28 से नीचे जाती हैं, तो उस वक्त आप लोगों ने कंफर्म ट्रेड लेनी है। उसके बाद बीटीसी हमेशा ऊपर उठता है। ये देखें जब भी यहाँ पे आया, आप यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ पे ट्रेड आई है और यहाँ पे आरएसआई शो हुआ है आप लोगों के पास, ये 18 पर गया है, 15 पर भी चला गया था और यहाँ 15 पर आया है। और अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो ये ऑलमोस्ट आप लोगों के पास 4000 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट था। अगर ये देखें 42 पे आया है, 42 से दोबारा उठाया और ये आवर सोल्ड कहाँ पे हुआ है, ये 44 पे चला गया है। ये आपको 2000 का आप लोगों के पास ऑलमोस्ट प्रॉफिट था। और ये देखें अगर इसको देखते हैं, अगर 20 पे अगर ये आता है तो 20 पे अगर आपने ट्रेड ली होती यहाँ पर 20 पे, तो 23 पे, तो ये देखें 23 पे ये आया था ऑलमोस्ट 40,000 पे और दोबारा गया है 44,000 पे, 4,000 का आप लोगों का प्रॉफिट होता। और जब जब आरएसआई 20 से नीचे जाए, 30 से नीचे या 25 से नीचे जाए, तो कंफर्म ट्रेड आप लोगों ने लेनी है। और एग्जिट कब करना है, जब ये 60 से ऊपर ऊपर चला जाए तो आपने एग्जिट ले लेना है, अपना प्रॉफिट निकाल लेना है, जो बचा हुआ है तो वो रहने देना है। अगर थोड़ी सी और मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर जाके आपने सेल कर देना है। ये देखें यहाँ पे अवर अवर बॉट हो गया था, यहाँ से दोबारा सेल हुआ है, ये 80 पर चला गया था, ये हमारे पास उसका अवर बॉट आ जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों के पास आ जाते हैं मूविंग एवरेजेस को आपने कैसे सेट करना है। उसका तरीका भी बहुत इजी है, आपने इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है और इंडिकेटर पे क्लिक करके ये मूविंग एवरेजेस है, इसको आपने 3 बार क्लिक करना है, 1, 2, 3। जब आप इसे क्लिक कर लेंगे तो 3 मूविंग एवरेजेस आप लोगों के पास शो हो जाएंगे। इसमें आप लोगों ने कौन कौन सी सेटिंग करनी है वो हम देखते हैं। फर्स्ट मूविंग एवरेजेस है आपकी, इसको आपने सेट कर लेना है 55 की रख लेनी है, और दूसरी जो है वो आप लोगों ने 100 की रख लेनी है, इसकी लेंथ 100 और 200 की जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस के तौर भी काम करती है। अभी मैं आपको शो करता हूं कि ये काम कैसे करती है मूविंग एवरेजेस। गाइस ये सारा काम 200 मूविंग एवरेजेस का होता है, जो आप लोगों के पास येलो कलर में आपको नजर आ रही है। अगर ये येलो लाइन जो है कैंडल स्टिक्स के नीचे है तो आप लोगों के पास ये अप ट्रेंड में आपको कैंडल स्टिक नजर आएगी। इसमें अगर आप लोगों का ये 100 मूविंग एवरेज टूट जाती है, अगर 100 मूविंग एवरेज टूटती है तो ये मींस 200 को भी ये तोड़ेगा, मींस आप लोगों के पास मार्केट क्रैश आ सकता है। अगर ये टूटती है मार्केट क्रैश तो ये 200 से भी नीचे चला जाएगा। अब ये 200 की इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है, 100 मूविंग एवरेज भी बनी हुई है उसके लिए रेजिस्टेंस, 55 मूविंग एवरेज जो है उसके लिए रेजिस्टेंस है, और सबसे बड़ी रेजिस्टेंस हमारे पास अभी 200 की है, जो कि 46,500 या 47,500 के लगभग है। अगर ये टूटेगी तो फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। सो गाइस आपको लोगों को उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। इंडिकेटर सेट करना आपको आ गए हैं, इनको यूज़ कीजिएगा और अच्छी सी ट्रेड लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।